ये सब क्यों, किस लिए, किसके लिए? ये जंग, ये मौत, ये नफरत, ये दंगे, ये फसाद, ये भूख, ये बीमारी, ये खौफ। जाने हमारा अंत क्या होगा। ये दुनिया जो सबकी है, हम जंग और नफरत के बिना भी इस दुनिया में जिंदा रह सकते हैं। इंसान की छाती तो मोम की तरह नाजुक है, जिसे सिर्फ होठों की या उंगलियों की जुम्बिश यानी हरकत से महसूस किया जा सकता है। मेरा नाम मानस है, मैं एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हूं। मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत जिसे अमन और शांति विरासत में मिली है। मैं दुनिया की शांति के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए नई नई मशीनें ईजाद करना चाहता हूं। क्या मैं एक ऐसा आदर्श संसार बना सकूंगा? शायद नहीं, शायद हाँ। हेलो मिस्टर कामरीद, मैं शैतान, वही शैतान, पहचाना मुझे? तुम्हारी और मेरी जंग उस वक्त से जारी है जब तुमने और मैंने जन्म लिया था, और शायद तुम्हारी और मेरी पैदाइश का वो दिन था। उस वक्त मैंने कसम खाई थी और किसी से वादा भी किया था कि मैं तुमको कभी सुख और शांति से जीने नहीं दूंगा। क्या बना रहे हो? अपने आला दिमाग से तुम नई नई मशीनों की ईजाद कर रहे हो, नया इतिहास लिखना चाहते हो। मैं भी एक नया इतिहास लिखना चाहता, मगर तुम्हारे संसार के कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, यू नो हू। लेकिन आज से तुम इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, अकलमंद इंसान यानी मानस, तुम और मैं पार्टनर हैं। तो मानस, सुन लो तुम्हारी आने वाली जिंदगी के शो का प्रोग्राम। नो लव, नो इमोशंस, नो रोमांस, नो जज्बात, एंड नो मदर, ओनली केवल अशांति, अशांति, अशांति। मोहम्मद इस्लाम, क्या बात है माँ? ये मानस अभी तलक नहीं आया। बस करो माँ, बहुत हो चुका काम और इंतजार, तुम थक गई होंगी, जाकर सो जाओ, समझी? तू भी तो जग रहा है। वो बात और है माँ, लेकिन तुम जाकर सो जाओ। कल महिला समाज का सालाना जलसा है, सारे साल का लेखा जोखा तैयार करना है, और ये मानस अभी तलक नहीं आया। मेरे दिमाग का कंप्यूटर। दिमाग का कंप्यूटर? हाँ। ये कंप्यूटर पढ़ते पढ़ते कहीं तू भी मानस की तरह कंप्यूटर न बन जाइयो। हे राम, एक जना तो पहले ही कंप्यूटर में अपनी आत्मा खो चुका है, और दूसरा जना भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। ये तुम बार बार अपनी घड़ी क्यों देख रही हो माँ? कुछ चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। जी। फिर हमें उन चीजों की आदत सी हो जाती है, जैसे कि तुम मेरी आदत बन चुके हो, वैसी ये घड़ी भी मेरी आदत बन चुकी है। माँ, जा थोड़ी देर आराम कर लो। जी। और हाँ, बत्ती भी बुझा दो। बहुत अच्छा।
मुझे किसी तरह सुला दे, मुझे नींद नहीं आती। नींद? हाँ माँ, 6 गोलियां तो खा चुका हूँ नींद की, फिर भी मुझे नींद नहीं आती। माँ माँ तू कितनी अच्छी है माँ, तेरे ये पांव कितने नाजुक और पवित्र है, तेरे हाथ कितने मुलायम और खूबसूरत है माँ, तेरे होंठ कितने मेहरबान और रहीम है। बस कोई तरकीब कर और मुझे सुला दे माँ। तू सोएगा भी कैसे, ये तुम्हें अपनी चारों दिशाओं में आत्मा से खाली कंप्यूटरों का जाल जो लपेट रखा है, और तू उसमें एक चुटकी भर इंसान की तरह फड़फड़ा रहा है। चल, मैं तुझे लोरी सुनाती हूँ जो मैंने बचपन में कभी तेरे लिए ही बुनी थी, इससे तुझे जरूर नींद आ जाएगी बेटे। माँ ये लोरी क्या होती है? लोरी एक मंत्र है बेटे, जो संसार के पहले बच्चे के कान में उसकी माँ ने उसे सुलाने के लिए फूंका था। निंदिया पूरी निंदिया, जग को सुलाना, सारे जग को सुलाना, तू मत सुना हाँ, वरना मेरा ये छोटा सा बच्चा जग जाएगा। जग को सुलाना, सारे जग को सुलाना, जग को सुलाना, सारे जग को सुलाना। This
स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये तुम जंगल में गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो ड्राइवर? How are you, Mr. कामरीन? शैतान, मैं चंद दिनों के लिए इराक और ईरान क्या चला गया कि तुमने माँ की गोद में सर रखकर लोरियां सुननी शुरू कर दी? हे वफा मानस, तुम नहीं जानते तुम्हारी इस किस्म की जज्बाती हरकतों से इंसान की तरक्की में कितनी रुकावट पड़ सकती है। लेकिन लोरी तो एक मंत्र है जो संसार के पहले बच्चे के कान में उसकी माँ ने उसे सुनाने के लिए फूका था। किसने कहा? माँ ने। माँ? मेरी माँ ने। माँ, इस दुनिया में माँ मेरे काम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। लगता है मुझे बच्चा पैदा करने का सारा सिस्टम बदलना पड़ेगा। शिट, ना, कम ऑन, शैतान। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा इस बार का ट्रिप कैसा रहा? पेपर नहीं पढ़ते क्या? सारा अखबार मेरे कारनामों से भरा होता है। बट मिस्टर कामरेड, लेट मी टेल यू, मैं बहुत अकेला पड़ गया और काम बहुत फैल गया है। वियतनाम, लिबनान, कंपूचिया, फलस्तीन, अफगानिस्तान वगैरह वगैरह वगैरह, जहां से भी एक पल के लिए हटता हूं लोग साले अमन और शांति की बातें करने लगते हैं। क्या अब हम कभी अमन और शांति में सांस नहीं ले सकेंगे? स्टॉप इट, स्टॉप इट। दुनिया की पहली बड़ी लड़ाई, उसके बाद दूसरी बड़ी लड़ाई, ये दो लड़ाइयां अगर नहीं होती तो क्या इंसान इतनी तेजी से आसमान पर उड़ सकता था? और तुम एटम बम और कंप्यूटर बना सकते थे? नो मिस्टर कामरीद, ना, नेवर। लेकिन इन लड़ाइयों में कितने लोग मारे गए हैं शैतान? तो क्या अगर जंग न होती तो लोग जिंदा रहते? मर जाते फिर भी पानी में डूबकर, बीमारी से, भूख से या फिर बुढ़ापे से। लोरी सुनना छोड़ दो और काम करो, वो काम जो मैंने तुम्हें बताया है। लेकिन मैं ऐसी चीजें ईजाद करना चाहता हूं जिनसे हमारे दिमाग के साथ साथ हमारी आत्मा के भी दरवाजे खुल जाए। शैतान, मस्ट यू ओबे मी। तुम वही काम करोगे जो मैंने तुम्हें बताया है, मिस्टर खामरीन। गुड बाय मिस्टर खामरीन। लॉन्ग लिव द किंग ऑफ डार्कनेस। कंग्रेचुलेशन, आखिर हम अपने मिशन में कामयाब हो ही गए। बड़ी बड़ी बातें करता था, अपने आप को मानस कहलाता था, दुनिया में सिस्टम और डिसिप्लिन लाना चाहता था, शैतान की हुक्मदूली करता था। लेकिन उसे ये नहीं मालूम सर कि इतना बड़ा सर शैतान मानस का बाप है। Shut up! खुशी का इजहार कमजर्फ लोग किया करते हैं। याद रहे, इस दुनिया में जब तक आखिरी आदमी, आखिरी इंसान बाकी है, आखिरी घर और आखिरी मकान बाकी है, तब तक ये जंग यूं ही चलती रहेगी। ये सिलसिला जेनरेशन टू जेनरेशन, नस्ल दर नस्ल यूं ही जारी है और यूं ही जारी रहेगा। अंडरस्टैंड? एंड नाउ चीयर्स माय डियर कामरीड। इंसान मुर्दाबाद, शैतान जिंदाबाद। हमारी प्रॉब्लम्स पूरी इंसानियत की प्रॉब्लम्स है। हम एक दूसरे के साथ जज्बाती रिश्तों में बंधे हुए हैं और ये जज्बाती रिश्ते ही हमारी तरक्की के रास्ते में एक एक बहुत बड़ी रुकावट है। हमें इन जज्बाती रिश्तों से ऊपर उठकर इंसानी दुनिया के फायदे के लिए बहुत कुछ करना है। Oh,
तो मैं ये कह रहा था कि इंसानी दुनिया के फायदे के लिए हमें बहुत कुछ करना है। मुझे ऐलान करते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि आज हमारी कंपनी दो नए कंप्यूटर्स बनाने जा रही है, कंप्यूटर एम और कंप्यूटर एफ। कंप्यूटर एम यानी मेल कंप्यूटर और कंप्यूटर एफ यानी फीमेल कंप्यूटर। इन दोनों कंप्यूटर के लिंक से हम एक और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली तैयार कर सकेंगे, कंप्यूटर बी यानी के बेबी कंप्यूटर। कुछ विद्या के बारे में बताइए आचार्य भारत जी। सुंदर, सुकर, सुशील, कोई पद्मिनी जैसी कन्या का सपना देखे तो साक्षात विद्या ही दिखाई दे उसे। सच पूछे आचार्य जी, जितने बरस विद्या आपके सरस्वती निकेतन में रही है उतने ही बरस मैंने मानस के घर बसने का इंतजार किया है। ये आंखें उसे कब देखेंगी? मैं उसे साथ ही लाया हूँ। कहाँ है वो? मेरा एक पुराना विद्यार्थी है प्रभात, उसके घर पर छोड़ आया हूँ। क्या सोच रही है? एक शब्द। शब्द? हाँ आचार्य जी, और तुमने इन 14 सालों में मुझे अनगिनत शब्द सिखाए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही शब्द याद रख सकी। उस एक शब्द से मेरी सारी कायनात और मेरा आवागमन बंधा हुआ है, और वो शब्द है मानस। मानस? मैं 7 साल की थी जब मेरी माँ ने मरते समय उसकी माँ से वचन लिया था, और तोहफे में मुझे यही एक शब्द अता किया था। क्या वो शब्द इतने साल बाद तुम्हें इस रूप में पहचान सकेगा? ओम के 3 अक्षरों में और सापस दा के 3 सुरों में तो सारी कायनात बंधी हुई है, और मैं भी एक शब्द से जुड़ी हुई हूं अपनी आत्मा और शरीर के साथ। हाँ शायद मेरे नाम बदलते रहे हैं और शायद बदलते रहेंगे, मैं जन्म जन्म से उसकी हूं, पर ये नहीं जानती इस बिखरती हुई नई और मशीनी दुनिया में वो अब भी अपनी विद्या का होगा या नहीं। Thank you.
शम्मा चलती है तुम्हारी आँख में आहट हमारी चलती है हमें जिस तरह से हमारे लहू में शामिल हो खुदा समान हो खुदा खुदा की तरह सच्चा निकले। हाँ प्रभात, कल एक युग के बाद मैं अपने मानस से मिल रही हूं। सो मिस्टर खमरी, अब क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी माँ की वजह से परेशान। माँ, यू नो, तुम्हारी माँ मेरे और तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज लाना चाहती है जिसे मैं हेट करता हूं। हेट, डैम इट शैतान। नो मिस्टर खमरी, नो, डोंट गेट मैड। गुस्सा बहुत बुरी चीज है सेहत के लिए। था था। मोहम्मद इस्लाम, हो जाते हो भाई? आया भैया, आया आया। मोहम्मद इस्लाम, अरे सुनो सुनो, देखो आप इधर, ये मेरे कमरे, मैं इधर, कमाल हो गया। ठहरे रहो ठहरे रहो, फिर आप वहां पहुंच गए। मोहम्मद इस्लाम, ये
मेरे कमरे में कौन कहां से आई? मौजूदा सिचुएशन पर एक शेर सुनाता हूँ। हरियप हरियप, जान निकला तो हमने वहशत में जिसको देखा उसी को चूम लिया। चांद चांद, मेरा मतलब लड़की, बिस्तर, सितार, फूल, वो मेरा कमरा तो नहीं हो सकता। नहीं तो फिर मेरा कमरा कहाँ है? वहीं जहाँ था मोहम्मद इस्लाम। उस कमरे में तो एक लड़की लेटी हुई है। लड़की या उसका ढांचा? सर से पांव तक लड़की ही लड़की। मगर भैया तुमको तो लड़की में हमेशा ढांचा नजर आता है। मोहम्मद इस्लाम, लेकिन वो लड़की है। हाँ, वो जान जो खिड़की से दाखिल हुआ और बिस्तर पर सो गया, वो जान जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक जिंदगी में चांदनी बरसाने आया है, उसका नाम है विद्या। माँ कहाँ खो गई थी? माँ सपनों के संसार में। जैसे ही मैं तुम्हारी शादी के मंडप तलक पहुंची, तुमने आगे बढ़कर मुझे जगा दिया। एक बात साफ साफ कह देता हूँ माँ, तुम्हारी ये बात मैं हरगिज नहीं मान सकता। और शादी, What is this शादी माँ? It's a waste of time. Why don't you understand, माँ? तुम मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो मानस। तुम इस तरह मेरी तौहीन करके नहीं जा सकते। तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम मेरे शरीर से बने हो। मेरी आत्मा भी तुम्हारे अंदर सांस ले रही है। मैं तुम्हारी माँ हूं। लेकिन माँ, ये औरत, जब मैं किसी औरत को देखता हूं तो वो एक स्केलेटन दिखाई देती है। अब तू ही बता माँ, मैं हड्डियों के ढांचे को अपनी जिंदगी से कैसे बांध सकता हूं? तो क्या मैं भी तुझे स्केलेटन नजर आती हूं? नहीं, इत्तेफाक ये है कि तुम में मुझे सिर्फ माँ नजर आती है, सिर्फ माँ। मुझे अफसोस है मानस, तुम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना साहित्य सब कुछ भूलते जा रहे हो। अगर संसार में औरत न होती तो फूलों में खुशबू न होती, जल शीतल न होता, हवा में लहर न होती, रोशनी में चमक न होती। भगवान ने धरती से जाकर प्रार्थना की कि वो अपने आप को औरत के रूप में ढाल ले, और धरती ने भगवान की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। और तुम प्रकृति के इतने बड़े वरदान को एक हड्डियों का ढांचा कहते हो? अगर औरत न होती तो तुम न होते। लेकिन माँ, हम अब कंप्यूटर M और कंप्यूटर F बनाने जा रहे हैं। अब बच्चे की पैदाइश के लिए किसी मर्द, किसी औरत की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। बस बस, आगे कुछ मत बोलो। जाओ और जाकर बनाओ ऐसे यंत्र जिनसे सृष्टि के सारे रंग, सारा संगीत और सारी आत्माएं अंधी और अपाहिज होकर मर जाए। उनकी आहट का इंतजार भी है, उनकी आहट से डर भी लगता है। तुम माँ चाहती है कि मैं तुमसे शादी कर लूं, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों? तुम ज्ञान की सुंदर कल्पना हो और मैं केवल एक विज्ञान हूं। हम दोनों एक दूसरे की दुनिया में दो अजनबी आत्माओं की तरह हैं। आत्मा तो जन जन्मांतर से ताल्लुक का वो एहसास है जिसे दुनिया का कोई विज्ञान कभी नहीं तोड़ सकता। दुनिया में कोई चीज अटूट नहीं है, जैसे आईना।
समुद्र की लहरें अगर तुम्हारे कदम चूम लेती हैं तो इसका ये अर्थ नहीं कि तुम उन पर चल भी सकते हो। गॉड, गॉड, तुम आत्मा और रोमांस के पिंजरे में बंद केवल एक कल्पना हो। मुझे आने वाली दुनिया का निर्माण करना है। प्लीज तुम मेरी दुनिया से दूर चली जाओ, बहुत दूर। लेट मी ब्रिंग इन द कंप्यूटर रेवोल्यूशन। अच्छा, तो तुम अंकों की क्रांति लाना चाहते हो, लेकिन इसका कारण? जब तुम लोग कल रेडियो ऑन करोगे तुम्हें हर कारण का जवाब मिल जाएगा। ये आकाशवाणी है, अब आप सुरेंद्र शर्मा से हिंदी में समाचार सुनिए। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समारोह में, जिसमें विभिन्न देशों से आए हुए वैज्ञानिकों ने भाग लिया, हमारे देश के सुप्रसिद्ध युवा वैज्ञानिक श्री मानस ने दावा किया है कि वो एक ऐसे कंप्यूटर का निर्माण करने जा रहे हैं जिससे बच्चे की पैदाइश के लिए पुरुष और स्त्री की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। उनका ये भी कहना है कि मनुष्य अपना जितना समय प्रेम, सेक्स, रोमांस वगैरह वगैरह में बर्बाद करता है, वो सारे का सारा समय बच जाएगा। माँ, बस थोड़ी सी दवा और पी लो। और कितनी दवाएं पिलाएगी बेटी, तू तो जानती है ये दिल का रोग है जो कभी अच्छा नहीं होता। कैसी बात करती हो माँ, तुमको कुछ नहीं होगा, ये दवा पीकर सो जाओ और कुछ मत बोलो, समझी? बिल्कुल अपनी माँ की तरह गुस्सा करती है, उसका गुस्सा भी तेरी तरह प्यारा था, बिल्कुल तेरी तरह मासूम और खूबसूरत थी मेरे कस्तूरबा। काश, काश मैं उसकी और अपनी इच्छा पूरी कर सकती। माँ, ये सब क्या हो गया माँ? कुछ ना कुछ तो होना था, सो हो गया। खैर, तुझमें अभी मेरी आत्मा जिंदा है जो मुझे देखने चला आया। काफी चिंता है तुझे मेरी। ये क्या कहती हो माँ? जब भी मैं तुमसे दूर जाता हूँ तो तुम्हारी याद मुझे बहुत आती है माँ, और जब तुम्हारे पास होता हूँ तो तुमसे लड़ने को जीत जाता है माँ। माँ, अब मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा। हाँ, वादा? वादा माँ।
जग निराली सांस मिली और इत्र बसी the computer program for the minister, sir. मिस्टर बहरूपचंद, मिस्टर बहरूपचंद। सर सर सर, माय नेम इज रूपचंद, नॉट बहरूपचंद सर। ये मिनिस्टर साहब के साथ अपॉइंटमेंट का क्या हुआ? आपने अब तक कुछ किया ही नहीं। सर, आई एम योर ऑफिसर ले जाओ। आई एम वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। द गोल्डन टाइम हैज कम एंड द मीटिंग विद मिनिस्टर हैज डन। कांग्रेचुलेशन। कब? 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 आज, नाउ, जस्ट नाउ सर। सेठ दूनी चंद मदर एक्सपायर्ड, मिनिस्टर कमिंग फॉर फ्यूनरल सेलिब्रेशन। कितनी देर हो गई, मिनिस्टर साहब अभी तक नहीं आए। शो वेस्ट ऑफ प्रेशियस टाइम।
मिनिस्टर साहब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेट सर एंड यू मस्ट मीट हिम टुडे और फिर ऐसा अच्छा उससे मिले ना मिले। हाँ शायद फिर कभी किसी की माँ मरे ना मरे। हाँ। बाबा माता जी के अथरू उठाने का समय हो गया है, देर किस बात की? माँ मेरी मरी है तेरी नहीं, मिनिस्टर साहब नहीं आए इसलिए देरी हो रही है। इससे अच्छा मौका कम मिलेगा पब्लिसिटी के लिए, 10 लाख रुपए दिए हैं। हाँ इलेक्शन में महोदय जी आ गए। हाँ जी किसको काटना है, क्या काटना है, कौन सी रस्सी, कौन सा फीता काटना है, कौन सा नारियल फोड़ना है, कहाँ आ गए हम चमन से निकल के, कौन सी सेरेमनी है ये, अरे टाइम इज मनी, बोलो कौन सा भाषण बोलना है। बड़ी देर कर दी। देर कर दी? देर तो तुम लोगों ने भी कर दी मुझे मिनिस्टर बनाने में। मालूम है कितनी सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ी है, कुतुब मीनार जैसी कितने जंतर मंतर घुमाने पड़े हैं, एक से दूसरे को लड़ाना भिड़ाना पड़ा है, कत्लो गारत करवाने पड़े हैं, तब जाके पार्लियामेंट की सीढ़ी देखने को मिली है, कुर्सी सूंघने को मिली है। मालूम है ऐसे मिनिस्टर बन जाता है, टाइम इज मनी। ये क्या है, कौन से नंबर का भाषण बोलना है? कोई बात नहीं, कोई बात कैसी नहीं है, बहुत बात है, सारे देश का बाहर है। उधार तो बहुत से लोगों का है मेरे ऊपर, पार्टी के लिए दे दे, ये काम आएगी, बहुत अच्छी चेन है। मिल के आता हूँ। जी देखो ऐसा है, मेरी बीवी माँ के लिए टाइम इज मनी। हॉनरेबल सर नमस्ते सर, हॉनरेबल सर पार्टी फंड के लिए बहुत बड़ा मुर्गा ब्रॉक सर। मुर्गा मुर्गी हम रात को खाते हैं, दिन में हम शाकाहारी हैं। सर दिस इज नॉट दैट मुर्गी, दिस इज नॉट दैट मुर्गा, पार्टी फंड मुर्गा सर, पार्टी फंड मुर्गा, पार्टी फंड मुर्गा। अरे तो टाइम इज मनी, जल्दी बुलाओ उसको, कौन से नंबर का भाषण बोलना है, कमिन करो, कमिन जल्दी करो, करो कमिन करो। रात को चमेली का पलंग तैयार करवा दिया है ना, मैं फिर खुशबूदार है। आइए मंत्री जी से आपका इंजेक्शन इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सर Honorable सर, मिस्टर मानस, यही वो प्रगतिशील नौजवान है जो कंप्यूटर बनाते हैं। अच्छा अच्छा, हाथ बड़ा मजबूत है जवानी में। कंप्यूटर बनाते हैं? कंप्यूटर बनाते हैं, कबूतर बनाते हैं। अरे कबूतर बनाने की क्या जरूरत है, कबूतर सारे उड़ गए, इस देश से नहीं उड़ गए, पूरे संसार से उड़ गएंगे श्रीमान मिनिस्टर साहब। हाँ जी कबूतर नहीं कंप्यूटर। तो ऐसा बोल टाइप राइटर बनाना है? अरे राइटर ही नहीं रह गएंगे अब तो, खाली टपाटप रह गई हैगी और खुजली रह गई हैगी। अरे कुछ बनाना ही है, टर बनानी है। अरे तो हंटर बना, मिनिस्टर बना, अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस ऐसा चल जाएगा। टाइम इज मनी, यू आर मेरी ख्वाहिश है। हाँ जी एक फोटो हो जाए मेरी माता जी के साथ। मेरी माता जी का फोटो तुम क्या करोगे? मेरी माता जी के साथ, आपकी नहीं। तुम्हारी माता जी का फोटो मैं क्या करूंगा? ओहो, क्या हो रहा है? माता जी मर चुकी है। मर गई तो मरने दो, मर गई है। अरे तब तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं गम की बात है शायद। गम और खुशी तो सेहत की मक्खी की तरह जीवन के साथ चिपके हुए है। बदबू आ रही है, आप मुझे क्या करना है? फोटो खिंचवानी है, फोटो खिंचाना है, फोटो खिंचाना है, फोटो खिंचाना है। स्माइल प्लीज, स्माइल कौन है? हंसिए हंसिए हंसिए। अच्छा फोटो हो गया ना, इसके बाद में एक शेर होगा। शेर है महाकवि कालिदास जी ने क्या है दीवाने गालिब के अंदर, कि हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए, और जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्रेम को प्रेम मिला। तालियां प्लीज। अब क्या करना है? हाँ भाषण देना है, कौन से नंबर का भाषण बोलना है? 10 नंबरी। 10 नंबरी? हाँ 10 नंबरी भाषण में कहा गया है कि जीव जंतियों प्राणियों और मृत्यु माता जी। हाँ कहा गया है कि जितना भी हमसे बन पड़े हम लोग मरने की कोशिश करें, क्योंकि देश की जो मखलूक है यानी के आवाम है वो बढ़ती जा रही है, तो आबादी को कम करने के लिए मरना चाहिए, चाहे हम प्रेम रोग से मरें, चाहे हम एक दूसरे को कत्लो गारत करके मरें, चाहे हम गला घोंट के मरें, चाहे बीमारियों से मरें, लेकिन मरे। मरना इज द सॉल्यूशन ऑफ द डेथ, डेथ इज द सॉल्यूशन ऑफ द मरना। जी भाषण मेरा खत्म हो गया है और भाई भाई सर प्लीज लेट मी डू इट फॉर यू। कैसा अच्छा आदमी है, मेरे लिए ये भी कर रहा है, आपको मिलने के लिए बच्चा पैदा हो गया। ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ। अरे बेटे पैंट की क्या जरूरत है कि फेंक जैसे जेल ले अंगूठा। नमस्ते प्रभात जी। नमस्ते, लेकिन तुमने मुझे पीछे से कैसे पहचाना? तुम्हारे पीछे भी प्रभात है
आगे भी प्रभात है और प्रभात को देखने वाली आंखें प्रभात को हर तरफ से पहचान लेती हैं। बैठो ना। बहुत सुंदर लग रही है। धत, ऐसी तो कोई बात नहीं। आचार्य जी का पत्र आया था। सच? पढ़ो। आचार्य जी सचमुच भगवान का रूप है। उनका मन हमेशा अपने विद्यार्थियों में ही लगा रहता है। अच्छा ये बताओ तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे भला क्या हुआ है? तुम्हारा ये सुंदर घर, ये सुंदर श्रृंगार और तुम्हें इस तरह देखकर आज मुझे बहुत खुशी हुई। सच कह रहे हो? लेकिन तुम्हारे चेहरे से खुशी नहीं, उदासी टपक रही है। उदासी नहीं तो? अच्छा ये बताओ क्या तुम्हें भी हमारी याद आती है? हमने 14 बरस एक साथ आचार्य जी के सरस्वती निकेतन में गुजारे। कुछ पियोगे? मैंने चाय पीनी छोड़ दी है। धत, तुम और चाय पीना छोड़ दो। ये प्रभात जी हैं। हम आचार्य जी के सरस्वती निकेतन में एक साथ पढ़ते थे। अब ये यहाँ संगीत सिखाते हैं, यही इसी शहर में। इन्होंने मुझे भी संगीत सिखाया था। माँ शायद मेरा इंतजार कर रही है। विद्या पर शक करता है मानस? अरे विश्वास ही जिंदगी का सबसे बड़ा अर्थ है। और विद्या, विद्या तो इस घर की आत्मा है। एक श्लोक है जो आकाश से उतरता है और धरती पर महकने लगता है, जो कभी गंगा का रूप धार लेता है तो कभी कभी सागर की तरह बहने लगता है। ये प्रेम की दस्तक भी है और पूजा की पुस्तक भी। माँ। अरे हाँ, तूने इसे अभी तक नौकरी से क्यों नहीं लगवाया? तू तो जानता है इसके बाप के हमारे घर पर बहुत सारे उपकार हैं। इसकी बेवा माँ नजमा जाने कब से इसकी कामयाबी की राह देख रही है। तू इसे फौरन नौकरी से लगा दे। मेरी निगाह में तुम दोनों के अधिकारों में कोई फर्क नहीं है। हाउ आर यू मिस्टर कामरीद? सुना है तुम मोहम्मद इस्लाम को नौकरी दे रहे हो। तुम मुझसे मेरे ख्यालात, मेरा ईमान, मेरा धर्म नहीं छीन सकते हो शैतान। मोहम्मद इस्लाम मेरा भाई है। भाई, भाई। I hate this word. Brother, Mr. Kamarid. मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि तुम और मोहम्मद इस्लाम कंधे से कंधा मिलाकर काम करो। नो no. तुम तुम्हारे अधिकार बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। वो है, वो उसके अधिकार। दाओ मिस्टर कामरीद, अगर तुमने मेरी नाफरमानी की तो मैं इस घर को मुर्दापात बना दूंगा। And must you obey me, understand? मानस? Understand? माँ की ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करो। जी,
चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन लेकिन आज से हम दोनों मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे जी। हमारे नामों में जो फर्क है उसे अपनी मोहब्बत से मिटा देंगे जी। हाँ लवंडे काय। ओ अच्छा, क्या चाहते हैं आप? काय चाहते हैं? खाली उतरा, खाली उतरा। क्यों? अरे मेरे को पूछता है क्यों? मला विचार तू, खाली उतरा, मुझे खाली उतरा, जमीन पे आओ। मिस्टर लवंडे, आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं और हम एक बाइज्जत शहरी, हमारी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। और फिर तमीज से बात कीजिएगा। तमीज? मेरे को मेरा जिम्मेदारी सिखाता है, मेरा फर्ज सिखाता है, मैं तेरे को सिखाता है। हाँ? अरे लौंडे साहब, काय को लफड़ा बढ़ाता है, शरीफ आदमी है, जाने तो। शरीफ? और तुम भी शरीफ। लवंडे को सेंडी लाता है। मेरे को मालूम है तुम एक नंबर का स्मगलर है, तुम स्पाई है, तुम जासूस है, डिटेक्टिव है, 420 है, घुसपैठिया है, देशद्रोही है। तुम मेरे खिलाफ जानबूझकर कोई साजिश कर रहे हो, मुझ पर गलत तोहमत लगा रहे हो। यू आर अ ब्लडी लायर। अंग्रेजी? अंग्रेजी नहीं मानता है, अंग्रेजी नहीं मानता है। हमको भी अंग्रेजी आता है, हिंदी मत ही बोलो। हमको कानून सिखाता है। हमको कानून सिखाता है, असली क्या है, नकली क्या है? अरे असली हुआ तो हुआ, नकली हुआ तो हुआ, तुम्हारे साथ आता कि नहीं? कोई कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, इतना रुबाब, इतना रुबाब, वो भी लवंडे से। अभी पता चल जाएगा। Thank you.
डरो नहीं, डोंट बी अफ्रेड मिस्टर कामरीड, यू गॉट अ बेटर जॉब, बड़ा काम बड़ा दाम, बहुत दर्द हो रहा है हाँ? पेट्रोल इज गोल्ड टुडे एवरीवेयर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये तुम्हें बहुत आराम पहुंचाएगा, यू विल बी ऑल राइट, तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे मिस्टर खामरी। गुड आफ्टरनून मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। आप ये खत और ये पोतली मैडम तक पहुंचा देंगे? मैडम, मोहम्मद इस्लाम की मुंह बोली माँ। डियर डिसोबीडियन मानस, तुमने अब भी नाफरमानी की और अपने माँ के कहने पर मोहम्मद इस्लाम को नौकरी दी। तुम्हारी ये नाफरमानी पसंद आई और इस नाफरमानी के जवाब में एक छोटा सा तोहफा, मोहम्मद इस्लाम की अस्थियां। सो लॉन्ग मिस्टर कामरी। माँ जी, कहाँ है मेरा बेटा? तुमने मेरे मोहम्मद इस्लाम को कहाँ गुम कर दिया है? कहाँ है मेरा बेटा? खूब अच्छा बदला दिया है हमारी वफादारियों का। गवाह है रोहिलखंड का कब्रिस्तान। हमारी वफा की तारीख बहुत पुरानी है। आज से बहुत साल पहले मोहम्मद इस्लाम के बाप ने तुम्हारे बाप के लिए अपने शहादतनामे पर खुद ही दस्तखत कर लिए थे। उस वक्त तुम्हारे बाप ने वादा किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगी। सोलो, ये मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, लूटी पीटी। माँ जी, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। माँ जी, तुमने तो कहा था कि मोहम्मद इस्लाम तुम्हारी जिंदगी है, वो तुम्हारी आदत बन चुका है, वो तुम्हारा बेटा है। तुमने तो ये भी वादा किया था कि तुम उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकोगी, तुम उसे पाल पोस कर बड़ा करोगी। लेकिन कहाँ है मेरा बेटा? माँ जी, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। माँ जी, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। मैं अपनी छातियों में मैं उसे समो लूंगी माँ जी, यहाँ तक कि मेरा सारा सीना चटक जाए। माँ जी, माँ जी, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। माँ जी, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। नजमा, नजमा, मैं भी कहां जिंदा हूं? शायद मोहम्मद इस्लाम के साथ मैं भी मर गई। You, Mr. Khamari? मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने मोहम्मद इस्लाम को नौकरी दी और अब रोमांटिक ख्वाब भी देखने शुरू कर दिए। जवाब दो। अपने माँ की बात हरगिज़ नहीं टाल सकता, और फिर जिस बात पे मेरा कोई काबू नहीं है,
पड़ेगा वो नहीं है। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं और ये माथा बेदाग है। चलो मैं इस पर एक दाग बना दूं। और तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें रोमांटिक ख्वाब देखती हैं। लो इन्हें मैं बदसूरती देखने के लिए छोड़ देता हूं। और तुम इन कानों से लोरियां सुनते हो। चलो मैं इन्हें सुला देता हूं। और तुम्हारा दिल कहां है? धड़कता भी है, इसमें विद्या भी रहती है। चलो मैं इसे खामोश कर देता हूं। साइलेंस इज कॉन्सेंट एंड नाउ गुड बाय मिस्टर खमरीद। लेकिन तुम ये शहर छोड़कर क्यों जा रहे हो? आचार्य जी चाहते हैं कि मैं निकेतन संभाल लूं और वो सारे शब्द, वो सारा संगीत जो हमसे बिछड़ता जा रहा है उसका दोबारा लोगों को ज्ञान करवा दूं और फिर मेरा इस शहर में रह भी क्या गया है। क्यों, मैं जो हूं तुम्हारी पुरानी साथी? पुरानी साथी? हां विद्या, जिंदगी में आज जो कुछ नया है कल वो सब पुराना हो जाएगा। हमारा आज का मिलन नया है लेकिन कल की भी राह इससे भी ज्यादा नहीं होगी और ये सिलसिला युगों तक चलता रहेगा। हाँ, नए मौसम आते हैं और पुराने हो जाते हैं, नए लोग मिलते हैं और पुराने लोग बिछड़ जाते हैं। वर्तमान, अतीत और भविष्य का ये रंगमंच यूं ही सदा चलता रहता है लेकिन धरती हमेशा माँ की तरह जिंदा और सदाबहार रहती है। एकम सत्य, एकम सत्य, एकम सत्य। बहुत जल्दी है माँ से मिलने की। तुम अब मुझे गुमराह नहीं कर सकते। तुमने मुझसे मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान छीनी है। तुमने मेरे शब्द, मेरे मिशन, मुझसे मेरे एक्सप्रेशन मुझसे छीन लिए हैं। यहां तक कि तुमने मुझसे मेरी माँ, मेरी माँ तक मुझसे छीन लिया है। अब मैं ये नहीं होने दूंगा कि तुम मेरे और मेरे विद्या के दरमियान आओ। विद्या, नॉलेज यानी इल्म, ज्ञान की पहली सीढ़ी। इस वक्त तुम्हारी विद्या प्रभात से प्रेम की विद्या हासिल कर रही है। Never try to be dirty again, my boy. Never. जाओ और जाकर खुद अपनी आंखों से सारा सच देख लो। ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ? चलो मेरे साथ। मेरा ख्याल है कि अब हम दोनों एक गाड़ी में एक साथ नहीं बैठ सकते। क्यों? इसलिए कि मेरे और तुम्हारे बीच एक तीसरी चीज दाखिल हो गई है।
तीसरी चीज? कौन सी तीसरी चीज? प्रभात। प्रभात, कितनी छोटी बात करते हो तुम, तुमको ऐसी बात करते शर्म भी नहीं आती? गौर से सुनो, मैं तुम पर इल्जाम लगाता हूँ कि तुम बेवफा हो। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी बेवफाई का मंजर देखा है। बेवफा? मैं बेवफा हूँ और तुमने मेरी बेवफाई का सारा मंजर खुद अपनी आंखों से देखा है? लेकिन तुम्हारे पास आंखें ही कहाँ हैं? मैं रात रात भर जागकर तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम अपने आप में, अपनी मशीनों में मगन रहे। तुम मेरी आत्मा को क्या देख सकते हो? तुमने तो मेरा बदन भी नहीं देखा। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बदन और मेरी आत्मा के इंतजार को छू लेते तो आज ये सब कुछ नहीं कहते। हाँ, हाँ, हाँ। मैं छोटी बात करता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि तुम्हारे सारे संबंध प्रभात के साथ है। संबंध? शायद तुम इतने बड़े शब्द का मतलब ही नहीं जानते। तुम तो सिर्फ अपने आप को जानते हो। तुम्हारा संबंध सिर्फ तुम्हारी अपनी जात से है और वो जात जहां से आत्मा की सारी आबादियां जिला वतन की जा चुकी हैं। शायद तुम आदमी होने का अर्थ ही भूल चुके हो। दरअसल मानस, तुम अपने दिमाग के शैतान के गुलाम हो, लेकिन मैं एक औरत हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इल्जाम नहीं। देखो देखो मुझे देखो। तुमने एक बार कहा था ना, मैं तुमसे दूर चली जाऊं। नहीं जा रही हूं मानस, आखिर मैंने तुम्हारा कहना मान ही लिया। नहीं विद्या, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो, कहीं नहीं जा सकती हो मुझे छोड़कर। मुझे तुम्हारी जरूरत है मानस। तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बेहद मोहब्बत, लेकिन अब मुझे जाना है मानस। तुम मेरे शरीर में आत्मा की चिंगारियां सजाकर मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो, कहीं नहीं जा सकती हो विद्या, कहीं नहीं जा सकती हो मानस। मुझे जाना ही पड़ेगा, मगर मैं जरूर लौट कर आऊंगी, सैकड़ों जन्म लूंगी तुम्हारे लिए। तुम ऐसे क्यों कहती हो विद्या, तुम ऐसे क्यों कहती हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रो मत, ना। रो मत मानस, तुम्हारे रोने से दिल धड़कता है मेरा। अच्छा
चले, मेरी यही प्रार्थना है कि मैं तुम्हारे इसी जन्म में तुम्हें दोबारा मिल जाऊं। यही आत्मा, यही शरीर लिए। मेरी तरह माँ है, फिर तू मेरा दुख क्यों नहीं समझती? कितना समय बीत गया, फिर भी मैंने अपने बेटे की छवि नहीं देखी। कहाँ है मेरा लाल? कैसा है वो? माँ, एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दे। ए भाई, ए भाई, अरे जिंदा हो? अरे तुम तो जख्मी दिखाई देते हो। तुम चलो हमारे गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तुम कौन हो भाई? हमारा नाम गाड़ीबान है। हमारे बाप का नाम भी गाड़ीबान था, हमारे दादा का नाम भी गाड़ीबान था। परंतु तुम कौन हो भाई? मैं क्या तुम बता सकते हो कि मैं कौन हूं? तुम्हें जाना कहाँ है भाई? तुम बता सकते हो मुझे जाना कहाँ है? कितनी अजीब बात है कि तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है, इसलिए तुम दुखी हो। और मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इसलिए मैं दुखी हूँ। हम सब किसी न किसी दुख से जुड़े हुए हैं। उठो है? उठो, आओ हमारी गाड़ी में बैठो। उठो, संभल संभल कर। महाभारत में किशन सारथी थे, लेकिन आज इस गाड़ी के सारथी भी तुम हो और अर्जुन भी तुम हो। लो लो इन्हें संभालो। हाँ, और हाँ, अगर मेरी सांसों की गति थम जाए तो ये ख्याल रहे कि ये गाड़ी का चक्र कभी न थमे। हाँ, भाई और बहनों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अपने आदर्श और अपना साहित्य भूलते जा रहे हैं। हम सब भारत के रहने वाले हैं। ये दंगा फसाद, ये जंग, ये भ्रष्टाचार, जाने हमारा अंत क्या होगा। हम सबको चाहिए कि हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के,
एक दूसरे के साथ मिलजुल कर शांति से रहें। हमारे देश में सारे धर्म जीते हैं, मगर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हमारी एकता में ही हमारी मजबूती है। मैं नहीं चाहती कि हमारा भारत कई हिस्सों में बटे। जो हिस्सा बटा, मैं उसके भी विरुद्ध हूं। भारत एक माँ है और माँ का आंचल टुकड़े टुकड़े करके इसे जख्मी करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। माँ सत्य है, माँ भारत है। भारत जैसी माँ के लिए अगर हमारे शरीर के खून की एक एक बूंद भी काम में आ जाए तो हमें उसका कोई खेद नहीं। एकम सत, एकम सत, एकम सत। जय हिंद। नमस्ते मैडम। तुम? हम आपके हमदर्द हैं, फ्रेंड, दोस्त। फ्रेंड, दोस्त, हमदर्द? क्या चाहते हो? चाहते तो हम कुछ भी नहीं है मैडम। वैसे एक बात आपको बता देना चाहते हैं। ये जो आप डिसिप्लिन, अमन, शांति, एकता वगैरह वगैरह की बातें करती हैं, उसे आप भूल जाइए। इसी में आपकी और हमारी भलाई है, आपकी भलाई। अंडरस्टैंड मैडम? वरना तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो। अरे जाओ और जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जाओ। शायद आप हमारा मतलब नहीं समझी। हम आपको बोलो बोलो, क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे मार दोगे। अगर मैं मर गई तो दूसरी मां जन्म लेगी, दूसरी मां मर गई तो तीसरी मां जन्म लेगी। ये सिलसिला जारी रहेगा। तुम इस देश से मां को कभी खत्म नहीं कर सकते। यहां मां हमेशा जन्म लेती रही है और हमेशा जन्म लेती रहेगी। जानते हो, इस देश का नाम है भारत माँ। अब तुम जा सकते हो। कितने पड़ा और बाकी है गाड़ी पान। लगता है बहुत थके हुए हो, लेकिन इस यात्रा का कोई अंत नहीं। सच, तुम्हें कुछ याद नहीं? मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं किसी जंग के मैदान से गुजर कर आया हूं। सच कहते हो भाई, हम सभी अपने अपने कुरुक्षेत्र में जीते हैं। यह महाभारत का 18 दिन का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। हर दिन इसी युद्ध का पहला दिन होता है। मुझे ही देखो,
मैं सदियों से चंद्रमुखी की खोज में भटक रहा हूँ। चंद्रमुखी धरती की माँ है, मेरी बेटी सदियों से अपनी माँ का इंतजार कर रही है। मैं हर मेले में उसे खोजता फिरता रहा हूँ। तुम ही बताओ, माँ कभी किसी मेले में बिकती है? माँ भी कोई उसकी चुनरी या चूड़ी है जिसे मैं खरीद लेता? ये मेले कहाँ लगते हैं गाड़ीबान? चलो मैं तुम्हें एक मेले का दर्शन कराता हूँ। पिया तोरे कारण मैं जोगन बनूंगी, 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 तोरे घर के अंगना से, तोरे घर के लिपटी रहूंगी, लिपटी रहूंगी, पिया तोरे कारण। पिया तोरे कारण मैं नदिया बनूंगी, पिया तोरे कारण मैं नदिया बनूंगी, तोरे मन के सागर में डूबी रहूंगी, डूबी रहूंगी मैं डूबी रहूंगी, पिया तोरे कारण। पिया बिन तुम्हारे कोई भाए ना, पिया बिन तुम्हारे कोई भाए ना, पिया जाए तो फिर जिया जाए ना, पिया जाए तो फिर जिया जाए ना, पिया जाए तो फिर जिया जाए ना, जिया जाए ना, जिया जाए ना, जिया जाए ना, जिया जाए ना। तुम्हें याद है हमने कहा था फांसो, फंसो मत, हमें पिंजरा पसंद है, परिंदा नहीं। मैंने अपना एक छोटा सा संसार बसा लिया है, और फिर ये देखो मेरी गोद में मेरी बच्ची धरती है। हमारे संसार से निकलकर किसी दूसरे के संसार में प्रवेश करने का तुमको कोई अधिकार नहीं है वेश्या। एक बार फिर बोल। वेश्या। मैं एक औरत हूँ, पूरी की पूरी औरत, और इस बच्ची की माँ हूँ। माँ? ये क्या हुआ चंद्रमुखी? चंद्रमुखी धरती, चंद्रमुखी होश में आओ, चंद्रमुखी होश में आओ, मत रो धरती, मत रो। Thank you.
शहरों को बर्बाद करता हुआ अब इस पवित्र धरती पर भी आ पहुंचा। दुशासन, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, सिर्फ मेरी बच्ची धरती को छोड़ दो। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरी बच्ची को दूध पिलाने की इजाजत दे दो। नहीं मिस कामरीद, नहीं, तुमको मेरे साथ चलना होगा। कब तक गाड़ीवान को खोजती रहोगी? तब तक जब तक मेरा ये दिल धड़कना ना बंद कर दे। ऐसा ना कहो बिटिया, हम तुम्हें सारे संसार की यात्रा करा सकते हैं, परंतु हमें यह तो पता चले तुम्हें कौन सी दिशा में जाना है। दिशा तो मुझे भी नहीं मालूम, शायद मेरी तलाश का कोई अंत नहीं। तो चलो बिटिया, फिर से यात्रा आरंभ करते हैं। चलो चलो। मेरा एक काम करोगे? यहाँ से 12 कोस दूर एक गांव है, भारत है जिसका नाम, वहाँ मेरी बेटी रहती है, धरती, धरती उसका नाम है। तुम उसे ये मंगलसूत्र जाकर दे दो, वो बहुत बुद्धिमान है, इसे देखते ही वो सब कुछ समझ जाएगी। काश काश तुम्हें धरती मेरी कल्पना का सागर बना देती। सागर भी धरती के स्पर्श के लिए तरसता है और धरती के स्पर्श में सीमित रहता है। हे माँ, हे माँ। चाचा, चाचा पालकी रोको। क्या बात है बिटिया? चाचा, अभी अभी मेरा दिल बहुत जोर से धड़का था और अभी अभी डूब गया। कोई खास बात है क्या? हाँ, तुम लोग जाओ,
शायद मुझे मेरी मंजिल मिल गई। बिन तुम्हारे कोई भाए ना, कोई भाए ना। पिया बिन तुम्हारे, बिन तुम्हारे पिया जाए ना, पिया जाए ना, पिया जाए तो फिर जिया जाए ना, जिया जाए ना, जिया जाए ना। तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारे पति की चिता है? मैं औरत हूं, औरत का मन सब कुछ जान लेता है। वो तुम्हें जिंदगी भर ढूंढता रहा और अब तुम आई हो जबकि वो सिधार गया। यही नियति थी, इसे कोई नहीं बदल सकता। तुम धरती से मिलोगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं वैश्या हूं। वैश्या धरती को जन्म तो दे सकती है लेकिन उसकी मां नहीं कहला सकती। लो ये फूल, हो सके तो इसकी सुगंध धरती तक पहुंचा देना। श्याम दो सुंदर कन्याओं की तरह है, वो जीवन की भूमिका भी है और इंतजार का अंत भी। और वो देखो, धीरे 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 शाम आ रही है, धीरे 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 शाम आ रही है, धीरे धीरे को लिख रहे हैं, पीपल के पात हरे धीरे धीरे गिर रहे हैं, माटी के डिबले में पोए पोए जल रहे हैं, पीपल के पात हरे धीरे धीरे गिर रहे हैं, धीरे धीरे गिर रहे हैं, धीरे धीरे शाम। चीखने लगे हैं मर्द सब रिवाज से बंधे हुए, सरल सपाट उंगलियों से अपने अपने घर के साए बान में अपने अपने
सभी है लिख रहे हैं, औरतें हथेलियों से चांद बुन रही हैं, औरतें हथेलियों से चांद बुन रही हैं, दूध की कटोरियों से सूरजों की आत्माएं मथ रही हैं, धीरे धीरे जल रही हैं, धीरे धीरे बुझ रही है, धीरे धीरे रात आ गई है, धीरे 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 धीरे। कैसी है माँ? मेरा बापू गाड़ीबान था, गाड़ीबान मर जाता है लेकिन गाड़ी चलती रहती है। बैठो अतिथि। उठो अतिथि, भोजन तैयार है। अतिथि, ये अतिथि किसे कहते हैं? भगवान को, भगवान जिसकी पूजा की जाती है। भगवान, ये भगवान किसे कहते हैं? मैं नहीं जानती, ये शब्द खुद ब खुद किसी मंत्र की तरह मेरे होंठों से टपका है। तुम्हारा क्या अर्थ है धरती? धरती खुद ही अर्थ है। और तुम, तुम्हारा क्या नाम है अतिथि? शायद मेरा कोई नाम नहीं। और घर? शायद वो भी पीछे कहीं खो गया है। हाँ, सारी चीजें खो जाती हैं। मेरा बापू वो भी खो गया, और माँ, माँ तो है लेकिन किसी ने हम दोनों के बीच अग्नि की सात रेखाएं खींच दी हैं। आगे बहुत धुंध और बहुत अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता। चलो। ढूंढ रहे हो? क्या बजा रहे हो? ये बांसुरी है जिसमें भगवान विश्राम करते हैं। मैं किशन हूँ और इसी गांव में रहता हूँ। भगवान का भी नाम होता है तो मेरा नाम? तुम सागर हो। लो, तुम्हारे माथे पर मैंने भारत की मिट्टी का तिलक लगा दिया है। अब तुम्हें धरती से कोई जुदा नहीं कर सकता। चली मुझे अकेला छोड़कर? हाँ, मेरे ये हाथ तो देखो, जिन पर रेखाएं ही रेखाएं हैं। पहले इन पर मेहंदी तो रच लूं कि तुम मुझे पढ़ सको। ये आंखें तो देखो कितनी सादा हैं ये। पहले इनमें थोड़ा सा काजल तो आंच लूं कि तुम मुझे निहार सको। इन बालों को तो देखो महकार से खाली। पहले इनमें थोड़ी सी रजनी गंधा तो रस लूं कि तुम मुझे सूंघ सको।
इन होंठों को तो देखो, मून घर बने हुए हैं। पहले इन्हें केसर से तो भिगो लूं कि तुम मुझे चख सको। और ये पांव भी तो देखो, बेचारे बेताल और बेसुरे, मुझे पहनने तो दो चांदी की झांझरी कि तुम मुझे सुन सको। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तब तक तुम शब्द, संगीत और कविता का ध्यान करो, ताकि जब मैं दोबारा आऊं तो तुम मुझे महसूस कर सको। लेकिन तुमने तो कहा था आज जब के सूरज निकलेगा तुम मुझे किसी शब्द के साथ जोड़ दोगी। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर और बहुत विस्तार रखने वाला शब्द सोच लिया है, सागर। सागर? लेकिन ये सागर किसे कहते हैं? जिसके पांव के नीचे कोई धरती नहीं होती। सागर जाओ और जाकर तुम भी स्नान कर लो। गंगा में स्नान के लिए आज्ञा की नहीं, इच्छा की जरूरत होती है। देखो ये रूप स्वरूप, ये मोती से अंजा हुआ काजल, ये अधरों पर लिपटा अग्न गुलाब, ये अतलसी कपड़े से कसा मेरे बदन का शीर्षक। क्या तुम अब भी नहीं जानते कि शब्द भी मैं हूं, कविता भी मैं हूं और संगीत भी मैं हूं? तुम सच कहती हो, तुम ही शब्द हो, तुम ही कविता हो और तुम ही संगीत हो। चलो घर चलें। सुनो, मेरी एक तुमसे छोटी सी प्रार्थना है। प्रार्थना? एक छोटी सी प्रार्थना। क्या? तुम मुझे एक बहुत छोटा सा चुंबन दे दो। चुंबन? हाँ, ताकि मैं जान लूं कि मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ मैं और तुम ही सच्चे हैं। कोई पुराने मगर सनसनी सी साजिश हो, कोई पुराने मगर सनसनी सी साजिश हो। हमारे शहर में, ओ हमारे शहर में काले परों की बारिश हो। हमारे शहर में काले परों की बारिश हो। हमारे शहर में आज मुरादों की आजमाइश हो। कुछ ऐसी आज मुरादों की आजमाइश हो। उतर गए हो मेरे दिल
फिजा में फूल खिले, सर्दियों में बारिश हो। फिजा में फूल खिले, सर्दियों में बारिश हो। खजा में फूल खिले, नजर से हया नजर से उठाओ पलक को जुम्बिश हो। हया नजर से उठाओ पलक को जुम्बिश हो। प्रेम का सोमरस बिखेरने लगे, मैं धीरे धीरे अपने आप को भूलने लगी, मंद मंद तुम में डूबने लगी, यहां तक कि मैं पूरी की पूरी तुम में समा गई। स्वामी, मैं पहले भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ हूं और कल भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे और तुम्हारे बीच कोई अतीत, कोई भविष्य और कोई वर्तमान नहीं। स्वामी, मेरे और तुम्हारे बीच जन्मों का ये सिलसिला कभी नहीं खत्म होगा। पिया, तोरे कारण मैं चुंबन बनूंगी, तोरे गर्म होठों में सिमटी रहूंगी। पिया मोहे होठों की चूड़ी में रखना, चूड़ी में रखना, चूड़ी में रखना। पिया मोहे बाहों की तोड़ी में रखना, पिया मोहे
मेहनत को आग से जलाकर खाक करने वाले हमारी हमारी मां समाज धरती पर आपकी रेखा के सिवाले कौन होते आप तो? ये सब क्यों? ये अन्याय क्यों? ये अन्याय क्यों? मिस्टर एंड मिसेस कमरीद जब जब बंजर जमीनों से फसलें लहलहाती हैं, जब जब सूखी टहनियों पर पोपले फूटती हैं, और जब जब मुर्दा पेड़ों पर फल उगते हैं, तब तब हम अपने गैज़ो गज़ब से उन्हें नेस्त तो नाबूद करते रहते हैं। हमने तुम्हारे खेतों को भी अपने कहर के गैज़ो गज़ब का आशीर्वाद दे दिया है और तुम्हारी इस धरती पर अग्नि की सात रेखाएं खींच दी हैं। रेखाएं अच्छी लगती है माथे पर कि मनुष्य सोच सके, रेखाएं अच्छी लगती है हाथों में कि मनुष्य पढ़ सके, रेखाएं अच्छी लगती है पांव में कि मनुष्य चल सके। हे कांते, तू आगे बढ़ और मिटा दे हर रेखा, कि एक ही रेखा अच्छी लगती है धरती पर जो उसे सदा सुहागन रख सके। माय लिटिल कॉमरेड, तुम्हें बहुत गुस्सा, एंगर, वेरी बैड, तुमको तो बहुत आगे जाना है। स्टिक, मुझे अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती, लेट मी ब्रेक इट, नहीं प्लीज मुझे तोड़ने दो इसे। रो मत धरती, किशन कभी नहीं मरता, वो हमेशा धरती की कोख से जन्म लेता रहा है और लेता रहेगा। असतोमा सदगमे, तमसोमा ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मा अमृतम गमे। सब चल गया, सब सब चल गया, सब बर्बाद हो। इतने उदास मत हो सागर, इतने उदास मत हो। ये देखो, ये अनाज का एक अंकुर है, हम इस अंकुर को फिर से उगाएंगे, हमारे हमारे खेत फिर आबाद हो जाएंगे सागर, हमारे खेत फिर आबाद हो जाएंगे। उदास मत हो सागर। रत जगे की तरह कोई मेरी आत्मा की खुशबू में ठहर गया है, कोई मेरे चांद का अता पता पूछे तो उसे कह देना कि मैं मिलन में सच्ची और जुदाई में झूठी बनती जा रही हूं। कोई फूल जैसे पांव वाला आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल की तरफ बढ़ रहा है, वो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है और मेरी लोरी के पन्ने में चुंबन सा रोशन हो जाता है। मैं तुम्हें धन्यवाद अदा करने आया हूं कि तुमने मुझे भगवान जैसा प्रसाद दे दिया है। अदालत का आपके नाम समन है। समन? सरकार ने अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है, लो तलावा। और सुनो, कल कचहरी में चले आना।
समझे? अगर नहीं आए तो बांध के ले जाऊंगा, समझे? सागर, बाप का नाम मालूम नहीं, अदालत में हाजिर हो। हाँ, तुम्हारा नाम? सागर। बाप का नाम? कहाँ के रहने वाले हो? भारत का। अच्छा, तो सागर, तुम्हें यह पता नहीं कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है और तुम कहां के रहने वाले हो, लेकिन तुम्हें यह अच्छी तरह मालूम है कि यह जमीन तुम्हारी है। कैसे? जवाब दो। हाँ हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यह जमीन मेरी है, मेरी अपनी। मैंने खून पसीना बहाकर इस बंजर जमीन को सींचा है सरकार, तपती धूप और कड़कड़ाते जाड़े में अपने हाथों से इस जमीन से बड़े बड़े पत्थर उठाए हैं सरकार। रात दिन मेहनत करके मैंने इस जमीन पर हल चलाया है, बीज बोए हैं, और अब जबकि जबकि इस जमीन पर अंकुर फूटने लगे तो ये कहते हैं कि जमीन इनकी है। सरकार, अब आप ही फैसला कीजिए। सरकार, वो किसान जो अपना आधा पेट काट कर इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाए, क्या वो जमीन उस मेहनत कश किसान की नहीं है सरकार? तो फिर किसकी है सरकार? ये सवाल आपसे पूछता हूं सरकार, ये जमीन किसकी है? आप ही हमारे माए बाप है, आप ही फैसला करो सरकार, आप ही फैसला करो। हम कुछ नहीं बोलेंगे सरकार, हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। सारी कार्रवाई सुनने के बाद अदालत अभी अपना फैसला महफूज रखती है और ये मुकदमा अगले किसी समय तक के लिए मुलतवी किया जाता है। सारी कार्रवाई सुनने के बाद अदालत अभी अपना फैसला महफूज रखती है और ये मुकदमा अगले किसी समय तक के लिए मुलतवी किया जाता है। क्या बात है किशन? माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। तू शहर चला जाएगा, लेकिन हम लोग तेरे बिना कैसे रहेंगे बेटा? माँ, तू समझती क्यों नहीं? तू और बापू कब तक यूं ही हम इसी तरह अपने आप को मारते रहेंगे? हाँ, शायद तू भी सही कहता है, लेकिन तुझे तेरे बापू की आज्ञा भी तो चाहिए ना। तू चिंता मत कर, मैं उन्हें कैसे भी मना लूंगी। हाँ, आखिर तुम कब तक कचहरी के फैसले का इंतजार करते रहोगे? भला कोई इतनी जल्दी भी बूढ़ा होता है जैसे तुम हो गए हो? अब किशन भी तो काफी बड़ा हो गया है। और माँ, तुम भी कब तक इन दुख उठाती रहोगी? बापू, तुम भी 20 साल से कचहरी में खड़े खड़े थक गए होंगे। लगता है हमारे दुखों का कोई अंत नहीं। किशन सच ही कहता है, इसे नौकरी मिल गई है, ये कल ही शहर जा रहा है। शायद इसके शहर जाने से
तुम्हारे सर का थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाए। किशन कहीं नहीं जाएगा। किशन इस धरती पर जन्म लिया है, वो यहीं रहेगा। मेरे बाद इस धरती की रक्षा करना किशन ही की तो जिम्मेदारी है। और कौन है मेरा, और कौन है? तुम किस धरती की बात कर रहे हो बापू? इस धरती ने तुम्हें दिया ही क्या है? बस मुझे शहर जाने की आज्ञा दे दो। नहीं नहीं, उठो किशन, भोर हो गई। क्या बापू ने शहर जाने की आज्ञा दे दी? चलो सफर की तैयारी करें। देख किशन, मैंने तेरे लिए रोटी बांधी है, इसे सही वक्त पर खा लेना। हाँ। और तूने सब कुछ ले लिया है ना? मैं कुछ भूल तो नहीं गई? हाँ ये देख किशन, इसमें मैंने तेरे लिए पानी भर रखा है, प्यास लगे तो पी लेना, किसी स्टेशन पर मत उतरना। हाँ अपना ख्याल रखना किशन। अब चल, बाहर बाहर गांव वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल बहुत देर हो रही है माँ। तेरा बापू अभी तक नहीं आया। हाँ, शायद शायद वो तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल बेटा। भगवान तेरी रक्षा करे बेटा, जीते रहो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह और उसका रसूल तेरी मदद करे बेटा। ये ले, ये वो मिट्टी है जो सारे देशों और सारे चेहरों से ज्यादा सुंदर है। हाँ किशन, ये भारत की मिट्टी है, इसका इसका विभाजन नहीं हो सकता, इसे सदा अपने पास रखियो। हाँ दो मां, अपना और बापू का ख्याल रखना। मास्टर कामरी, कौन हो तुम? मैं? कहीं तुम वही तो नहीं जिसने मेरे माँ बाप का जीवन? नहीं, ये क्या है? तुम्हें भूख लगी है? हाँ। इसमें भोजन नहीं,
मेरे देश की मिट्टी है। मिट्टी? वो क्या होती है? लाओ मुझे दो। माँ ने कहा था कि हम सब कुछ दे सकते हैं मगर ये मिट्टी नहीं। Now listen, Master Kamarid, ये मिट्टी मुझे दे दो। नहीं, बदले में ये लो, विदेशी मुद्रा है, फॉरेन करेंसी, बड़े काम की चीज होती है। मैंने कहा ना नहीं। नहीं, थोड़ी सी दे दो, थोड़ी सी, हाथ बराबर है। नहीं, ये भारत की मिट्टी है और इस मिट्टी का बंटवारा नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड मिस्टर कामरेड? जी नहीं, ये हमारी कहानी का अंत नहीं है। इंसान और शैतान के दरमियान जंग कल भी जारी थी, आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगी। लेकिन शैतान पर आखिरी विजय आपकी ही होगी, क्योंकि आप भविष्य की रोशनी हैं और रोशनी हमेशा अंधेरे की कोख से जन्म लेती है।